हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है हीरो HF डिलक्स BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दे, इस जगह पे आप अगर देखें तो 3D लोगों में आपको प्रोग्रामेंट FI लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और गाड़ी में आज जो प्रॉब्लम लेके आई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जब भी आपके पास गैराज में BS6 की कोई सी भी गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो 5 से 7 ऐसा स्टेप बताएंगे जो स्टेप को यूज करने के बाद 100% आपकी BS6 की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और जैसे 5 से 7 स्टेप यूज करेंगे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वह 7 स्टेप क्या है जिसे यूज करने के बाद हमारी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो मैकेनिक दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले अगर बाइक की किलोमीटर आप देखें तो मात्र 1043 किलोमीटर गाड़ी रन हुई है। और जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे तो इस जगह पे गाड़ी का अगर हम सेल्फ यूज करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसमें जो सबसे पहला 4 चीज़ों को अगर आप चेक कर लिए तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम का 100% शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकल आएगा। पहला क्या है कि फ्यूल सप्लाई आपको चेक करना है, दूसरा आपको इसके सेंसर चेक करना है, तीसरा आपको रिले चेक करना है और चौथा इसका फ्यूज बॉक्स चेक करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई सी भी BS6 की गाड़ी आती है तो सबसे पहले आपको यह चीज़ चेकआउट करना है कि जैसे ही इग्निशन को ऑन करते हैं तो सबसे पहला कि फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं। तो फ्यूल पंप को चेक करने के लिए सबसे पहले जैसे हम गाड़ी को इस तरह से इग्निशन ऑन करेंगे और हाथ लगा के या फिर कान लगा के फील करना है आपको कि गाड़ी का फ्यूल पंप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आपने एकदम बिल्कुल सही सुना कि 7 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है आपको यह चेक करना है कि जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन किए फ्यूल पंप, तो शायद ही आपको सुनाई दिया होगा कि इसका फ्यूल पंप जो एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब दूसरा स्टेप हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फ्यूल पंप तो चल रहा है बट क्या फ्यूल की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि फ्यूल पंप चलने के बावजूद फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल नहीं होता है या फिर पाइपलाइन या पंप का जाम हो जाने से फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो दूसरा स्टेप, क्योंकि अभी हम फ्यूल रिलेटेड चेक करेंगे, उसके बाद इंजेक्टर चेक करेंगे, उसके बाद करंट चेक करेंगे, उसके बाद स्पार्क प्लग चेक करेंगे, फिर सेंसर चेक करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा फ्यूल पंप चेक करना है, दूसरा स्टेप हमारा फ्यूल की सप्लाई चेक करना है। तो चलिए फ्यूल की सप्लाई को हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया, फ्यूल पंप वर्क कर रहा है। अब इसका दूसरा स्टेप फ्यूल रिलेटेड 3 स्टेप होता है और 3 स्टेप इसके करंट रिलेटेड। अगर 3 चीज़ें इसकी चेक कर ली हैं इधर से और 3 चीज़ें इसके करंट रिलेटेड तो गाड़ी 100% स्टार्ट होगी। दूसरा स्टेप आपको यह चेक करना है कि इसकी फ्यूल की सप्लाई हो रही है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हाथ से आपको इस तरह से पाइपलाइन को पुश करना है। इसका स्पेशल टूल भी आता है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं पाइपलाइन के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसके पाइपलाइन को पुश करें और बैक के ओर खींचें। देखिए इजीली हमारा पाइपलाइन ओपन हो गया। अब यहाँ से कुछ फ्यूल वगैरह निकल रहा है बट हमें इस तरह से चेकआउट नहीं करना है। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रेशर के साथ इसके अंदर से फ्यूल की छिड़काव हो रही है या नहीं। तो चलिए इग्निशन को ऑन करें और हाथ में आप देखें इसका छिड़काव प्रॉपर होता है या नहीं होता है। तो इग्निशन को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जैसे इसके इग्निशन को ऑन किए इसका इंजन में जा रहा है, तो ये क्या है कि प्रॉपर तरीके से फ्यूल का छिड़काव कर रहा है, यानी दूसरे स्टेप में भी एकदम यह पास हो गई है, दूसरा स्टेप भी एकदम हमारा ओके है। अब हमें तीसरा स्टेप यह चेक करना है कि क्या इसका इंजेक्टर तो ब्लॉक नहीं हो गया है। ये BS6 की कोई सी भी बाइक आए, अगर यह स्टेप अगर आप यूज करते हैं इन फ्यूचर कभी भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसके इंजेक्टर को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं क्या इसका इंजेक्टर ब्लॉक है या फिर सही है। इंजेक्टर को चेक करने का सटीक तरीका क्या है अभी इस वीडियो में आपको कवर करके बताते हैं। तो चलिए इंजेक्टर का यहाँ पर एक 8mm का बोल्ट है, इसे ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं सप्लाई प्रॉपर तरीके से इंजेक्टर में है या नहीं है।
तो मैकेनिक दोस्तों तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है इसका इंजेक्टर, जो चीज़ आप सभी को शूट करके हम 5 से 10 मिनट में दिखाते हैं उसी चीज़ को हमें करने में आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके साथ अगर शेयर करें तो यहाँ पे इसका जो इंजेक्टर आपको अभी तुरंत दिखा रहे हैं इसे ओपन करने में लगभग मुझे 15 मिनट का समय लगा, क्योंकि बहुत ही टफ टॉर्क के साथ इसे टाइट किया गया कंपनी अकॉर्डिंग। और इसके अंदर आपको इसे ओपन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टूल होना चाहिए, वरना जिस तरह से यह कवर किया गया इसे आप आसानी से नहीं ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने अभी ओपन कर लिया। यहाँ पे किस तरह से 8mm का बोल्ट होता है, और यह चीज़ इसलिए मैंने दिखाने की ज़्यादा कोशिश की हो क्योंकि यह थर्ड स्टेप में आता है और इस चीज़ के बारे में आपको दिखाना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए इसके इंजेक्टर को हम बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है, ओरिंग था इसलिए यह थोड़ा सा जाम लग रहा था। और आपको अगर इसके अंदर अगर कवर करके अच्छे से दिखाएं तो आप देखें इसके अंदर काफ़ी पतले पतले 4 होल दिए हुए हैं, और यही अगर होल आपका थोड़ा सा भी ब्लॉक हो जाता है तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको शायद दिख रहा होगा, आपको कोशिश करते हैं दिखाने की, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारी मेन होती है। ये देख पा रहे हैं 4 होल आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब थर्ड स्टेप इसमें हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसके जो है फ्यूल सप्लाई वाले लाइन को इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसके ऑलरेडी स्प्लेंडर का मैंने इंजेक्टर चेकिंग का या हीरो ग्लैमर का इंजेक्टर चेकिंग का सारे चीज़ों को वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अब कोई भी इंजेक्टर को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई की एकदम 100% आवश्यकता पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट वाला एरिया है इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर 12 वोल्ट की प्रॉपर तरीके से सप्लाई जाए। तो ये देख पा रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और ये देख पा रहे हैं फ्लेंज के भी हमें 2 बोल्ट ओपन करना पड़ा तभी जाके इसका इंजेक्टर ओपन हुआ। तो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से BS6 के रिलेटेड इंक्वायरीज लेके आपके साथ मिलते रहें। तो जब भी आपको चेक करना हो तो इंजेक्टर को इस तरह से ज़ोर से प्रेस करके रखें ऊपर वाले हिस्से को, वरना फिर यहाँ से जो प्रेशर बन के आएगा ना वो इंजेक्टर को अचानक से ओपन कर देगा और उस समय आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से ओपन रखें, और एक बंदा किक या सेल्फ का यूज करेगा, फिर यहाँ से अगर छिड़काव होता है तो समझ लीजिए आपकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, यानी इंजेक्टर एकदम प्रॉपर है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए पहले आपको 2 से 3 बार इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ईयर लाइन बने होंगे ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए 2-3 बार इसके ऑन ऑफ कर लेते हैं। अब चलिए हम सेल्फ का उपयोग करते हैं, सिंगल हैंडेड थोड़ा सा टफ है बट आपको हम कोशिश करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा छिड़काव होगा इसके अंदर, तो आप देख पा रहे हैं छिड़काव एकदम प्रॉपर है इंजेक्टर का। ये देखिए ये इसका छिड़काव हो रहा है, यानी इंजेक्टर जो हमारा प्रॉपर तरीके से सप्लाई दे रहा है, और यही इसका 12 वोल्ट का हम दिए जब ही ये सप्लाई दे रहा है। अगर इसका 12 वोल्ट का यहाँ से मैंने सप्लाई ओपन कर दिया है, अब अगर यहाँ पर हम सप्लाई इसका चेक करेंगे तो फिर सप्लाई नहीं देगा। ये देखिए एक जरा सा इसके अंदर सप्लाई नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका कनेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेकआउट कर लें, जब भी आप इंजेक्टर चेक करें तो यहाँ से चेक करें कि आपका सप्लाई सही है या नहीं है। अब ये 3 फ्यूल स्टेप आप चेक कर लें, पंप ओके है, फ्यूल की सप्लाई ओके है, इंजेक्टर ओके है। अब हमारा जो कन्फ्यूजन जाता है वो इसके करंट रिलेटेड जाता है। तो चलिए सबसे पहले करंट चेकआउट करते हैं, सेंसर से हमारा प्रॉब्लम है या बैक एंगल सेंसर ख़राब हो गया जो करंट रिलेटेड प्रॉब्लम करता है, ये स्टेप आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको करंट को चेकआउट करके दिखाते हैं। तो आपने अभी देखा मैंने जो इंक्वायरी अभी चेक कर रहा था इसके फ्यूल रिलेटेड, अब हमें जो है करंट रिलेटेड चेकआउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसकी बैटरी जो है प्रॉपर 12 वोल्ट से प्लस चार्ज है या नहीं, उसके बाद यहाँ से जो चार्जिंग की सप्लाई हमारा ECU तक जा रहा है या नहीं। कंप्लीट मल्टीमीटर का यूज करेंगे और आपको हम परफेक्ट तरीका बताएंगे। आपको फ्यूल लाइन का पता चल गया, अब आपको इधर जो है करंट रिलेटेड बता देते हैं किस तरह से आपको ये स्टेप यूज करना है। तो सबसे पहले इसके बैटरी वाले इस वाले पैनल को ओपन करेंगे, और इस तरह से नॉर्मल सा मल्टीमीटर का यूज करना है आपको। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खरीद लीजिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि BS6 की गाड़ियों को इस तरह से चेक नहीं कर सकते आप वायरिंग वगैरह बॉडी में टच करके, आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग शो कर रहा होगा। आप चलिए इसका रीडिंग चेक करते हैं बैटरी से कि वोल्टेज प्रॉपर कितना है। तो अगर आप देखें तो 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई है, और होना भी चाहिए क्योंकि इसका पंप चल रहा है, पंप सप्लाई कर रहा है, इंजेक्टर को वर्क करवा रहा है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक तो सही है। अब हमें यह चेक करना है कि क्या यहाँ से सप्लाई हमारा ECU तक जा रहा है या नहीं। तो इसका ECU आप सभी मैकेनिक भाइयों जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा, इसका ECU जो है इसके थ्रोटल बॉडी में ही अटैच करके दिया हुआ है, और बैक एंगल सेंसर इसी के अंदर दिया हुआ है। तो ECU को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक निडल टाइप का इसको यहाँ से प्रेस करके जैसे हम बैक की ओर पुश करेंगे
तो ये आसानी से खुल जाएगा। क्या है कि बहुत टाइट और टफ लॉक लगे होते हैं। सबसे पहले आरआर यूनिट के कवर को ओपन करते हैं। तो BS6 के होने की वजह से कपलर्स जो हैं इसके बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं कंपनी अकॉर्डिंग, और जब खोलना होता है, जब आसानी से खुल जाता है, तो एक बार इसको अच्छे से पुश करके फिर ये देखिए इजीली खुल गया। बस जस्ट इसी तरह से हमारा जो इस तरह से ECU का भी कपलर ओपन कर लेना है, ताकि आपको 12 वोल्ट की सप्लाई, यही होता है ना, आपको हम बताते हैं कि जो चीज़ आपको हम 5 मिनट में दिखाते हैं, उस चीज़ को हमें करने के लिए 15 मिनट का समय लगता है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। काफ़ी टाइट फिटेड है, फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी अकॉर्डिंग है। नीचे से पुश करके बैक खींचना होता है। कोशिश करेंगे आपको लाइव दिखाने की, कट करेंगे फिर समझ नहीं आएगा। ये देखिए इसी चीज़ को अगर हम कट करके ओपन करते फिर आपको कन्फ्यूजन होता। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया। अब हमें जो 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पांचवा स्टेप में करंट रिलेटेड आपको जो बताएं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह जो वायरिंग जो हार्नेस वर्क होता है, ये माइनस के साथ वर्क होता है, यानी इसका जो है बॉडी अर्थ ECU से लेता है। अगर इस कंडीशन में आप इग्निशन को ऑन करके और अदर बाइकों की तरह अगर ब्लैक प्लस रेड वायर में अगर 12 वोल्ट की अगर आप सप्लाई चेक करते हैं, समझ लीजिए एक तरह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इसको बॉडी अर्थ इसके ECU से नहीं मिलेगा, तो 12 वोल्ट की करंट यहाँ पर शो नहीं करेगा। आपको अगर दिखाया था तो बहुत ही माइनस करंट शो करेगा। देखिए माइनस शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस बिलिंग कर रहा है। तो जब भी आपको करंट चेक करना हो, इसके ECU में लगा के चेक करें। तो यहाँ से अगर आपका इस वाले बैटरी से अगर ECU तक करंट सही है, अगर इस कंडीशन में अगर हम इसको ओपन करके रखेंगे, और अभी आपको हम अगर दिखाएं इसका सेल्फ का उपयोग करके, तो हमारी गाड़ी सेल्फ भी नहीं लेगी। ये देखिए कुछ का कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ECU से कंप्लीट कनेक्टिविटी है, और सिर्फ यहाँ पे रिले लगा हुआ, कंप्लीट इसका जो रिले से कनेक्टिविटी यहाँ पे है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके वायरिंग रिलेटेड बता दिया है। अगर यहाँ तक आपका करंट एकदम प्रॉपर है, उसके बाद आपको स्पार्क प्लग में चेक करना है। तो स्पार्क प्लग में कैसे चेक करना है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो स्पार्क प्लग में जब ही करंट आएगा, जब आपका ECU का ये वाला कपलर आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो इसको लगाने से पहले आपको जो है इग्निशन को ऑफ कर लेना पड़ेगा। तो चलिए इग्निशन को ऑफ करके ये देखिए हमारा पंप चलना एकदम शुरू हो गया। अब वहाँ से अगर हमारा सारा चीज़ ओके है, जब आप इसका जो इस स्टेप को यूज कीजिए, ये देखिए इसके स्पार्क प्लग को अगर आप ओपन करेंगे और यहाँ पे करंट चेक करवाएंगे, तो एकदम हमारा प्रॉपर करंट आएगा। तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज बता रही, तो चलिए इसको किक यूज करके देखते हैं। तो किक का उपयोग करके करंट चेक कराते हैं। तो देख पा रहे हैं करंट हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से आ जा रहा है। तो आप चलिए गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। और ये जो था कुछ खास था प्रॉब्लम जो ज़्यादातर क्रिएट होता है, बाकी स्टार्ट ना होने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे टाइमिंग का आउट हो जाना, टाइफिट का ज़्यादा टाइट हो जाना, वाल्व का लीकेज हो जाना, ईयर फिल्टर ब्लॉक हो जाना, थ्रोटल बॉडी का क्लीन प्रॉपर तरीके से ना होना, और इसके इंजेक्टर का जिस तरह से आपको बताएं, ये सारे खास रीज़न होते हैं इसका गाड़ी जो हमारे स्टार्ट ना होने का। तो इसके साथ साथ आप अगर टाइफिट वगैरह भी चेक कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, या फिर इसके फ्यूल का प्रॉपर सही क्लीनिंग ना होना, यानी फ्यूल में मिश्रण हो जाता है पानी वगैरह का, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। बट ज्यादा जो रीजन होता है, इस स्टेप को अगर आप यूज कीजिएगा, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब चलिए इस स्टेप को आपको यूज करके दिखा ही दिए, चलिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और मैंने इसका जो ECU माइनस नहीं ले पा रहा था, सिर्फ ECU के माइनस को दे दिए हैं। अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किक का यूज करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गाड़ी देख पा रहे हैं एकदम इजीली स्टार्ट है। इसमें अगर अभी भी अगर देखा जाए, तो अभी भी हमारी बैटरी फुल चार्ज शो कर रही है, बट सेल्फ नहीं ले रहा, क्योंकि जो इसका ECU माइनस शो कर रहा है। तो इस स्टेप को यूज करके प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में को अच्छे से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।